ये सारा मैं या तुम या हसाया तुम्हारा, तू नदी और मैं हूँ किनारा, क्या मिल पाएंगे अब हम दोबारा, है इस दर्द में सुकून इसको महसूस कर लूं जरा, कि ये खामोशी जितना सुकून देती है उतना ही इसमें एक अजीब सा डर भी है। कई बार हम बुरे वक्त से कितना भी दूर भाग लें, लेकिन काली मानुसियत किस हसीन चेहरे में हमारे करीब आ जाती है हमें पता ही नहीं लगता। मैं राजीव खन्ना, गायत्री और मेरी शादी 2 साल पहले ही हुई है। ये समझौता हमने हमारी फैमिलीज के प्रेशर में आगे किया था, और अब ना तो वो खुश है और ना ही मैं। उसका अंजाम आए दिन गायत्री को शराब की लत और मेरे पास टाइम की कमी। Just shut up, bastard. Get lost. शायद हम दोनों कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, या फिर वक्त ने हमें मौका नहीं दिया, या फिर हमने एक दूसरे को। मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं शिमला एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था। गॉड नोज, ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन बहुत है। इस बार क्रैक जरूर होगा जेंटलमैन, बाजार ऑलरेडी बहुत गर्म है। गायत्री बोलो। सुनो, अभी आप वहाँ से निकले तो नहीं है ना? नहीं, आज रात का टाइम है। तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बता दो। नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाना। सुनो, वो लीजा है ना, शिमला के समर हिल में गई हुई है, और उसका लगेज भी उससे मिसप्लेस हो गया है, तो उसके पास ना पैसे है ना कुछ है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लोगे आप? उसे हैंडल कर लेना प्लीज, इफ पॉसिबल। लड़की भी ना, चलो मैं देखता हूँ। और सुनो, तुम डिनर कर लेना टाइम से, ओके? लव यू। ठीक है, टाइम से आप भी डिनर कर लेना, और इस पागल को भी करा देना, ओके? टेक केयर। कई बार आने वाला तूफान हमें सुनाई नहीं देता, पर महसूस हो जाता है, और शायद ये वही इशारा था कि मैं आने वाला तूफान महसूस कर सकता था। मैं काम ख़त्म करके समर हिल्स पहुंचा कार लेके, और सामने लीजा रोड पर ही खड़ी थी। कितनी देर लगती है आने में? मुझे पता था गायत्री फंस गई है तुमसे शादी करके। उसमें एक तो खुद सामान खो दिया, और मुझ पे ही जोर, गट से तुम में। बोरिंग इंसान, कोई म्यूजिक ही प्ले कर लो। शिमला के रामपुर इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 को बंद करना पड़ा है, ये बंद हो गया है शिमला से। ओ शिट, मेरी तो कल रिहर्सल है, मेरा करियर तो गया यार। को मैं गायत्री को इन्फॉर्म कर देता हूँ। लैंडस्लाइड की तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए, कैसे पहाड़ दरक कर नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, और देखते ही देखते ही ये जो हाईवे है, और इस हाईवे
हाँ बोलो राजीव। हेलो गायत्री। हाँ देखा मैंने टीवी पर, शुक्र है आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। आप एक काम करो, नियरेस्ट कोई स्टे वगैरह देख लो, ऐसे गाड़ी में भी कब तक परेशान रहोगे, उंगली से भी परेशान हो जाएगी। हाँ ओके ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, मैं देखता हूँ। जैसे जाम खुले फिर निकल जाना। बाय। मुन्नी यहाँ के आके जरा सफाई कर दे, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। लो भाई जी चाबी, मिक्की पाजी का कॉल आया था मेरे पास कि आपको चाबी देनी है और आज रात मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ पर, तो कृपया करके यहाँ पे दरवाजे बंद रखिएगा घर के, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो अपना ध्यान रखिएगा यहाँ पर। हेलो। हाँ मुझे पता है मार्केट थोड़ा क्रैश है। हाँ तो उसको होल्ड में रखने का फ़ायदा ही क्या है, पता नहीं कब साला उठ जाए। चल ठीक है ओके। हैशटैग नेचर वाइब्स और ये पोस्ट। इंस्टाग्राम अपना बैग उठाओ चलो। सड़ू आया बड़ा, अपना बैग उठाओ चलो।
इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वेल रिलीज होगी तो मार्केट पूरा डीप में चला जाएगा। धनपाल ने सारा पैसा बिना पूछे मार्केट में लगा दिया, बस कैसे प्रॉफिट निकाल। प्रॉफिट निकालने का टाइम है, बेच दिया आज रात तक। यार तुम गायत्री के साथ कैसे रहते होंगे, तुम्हें पैसे कमाने के अलावा कोई काम वाम नहीं है क्या? सुबह से रात हो गए कॉल पर ही लगे हुए हो। काम भी तो जरूरी है मैडम, वरना जिंदगी कैसे चलेगी। फिर भी इतनी रोमांटिक जगह है, हम दोनों अकेले हैं, कुछ रोमांटिक बात ही कर लो। आप भूल रही हो मैडम, मैं एक शादीशुदा हूँ और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का पति हूँ। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। वैसे वाइन पियोगे? नहीं, मुझे शराब से एलर्जी है। तुम डरते हो कहीं इस हॉट लड़की के आगे तुम बहक ना जाओ। पर हॉट लड़की है कहाँ राजीव? चलो एक पैक मेरा भी। ओके। क्या मार्केट बेस है, डिप में है, मार्केट खरीद ले, प्रॉफिट में है। यार एक बार डिसाइड क्यों नहीं करते हो राजीव? ओह शिट, लीजा रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह तक रास्ता खुल जाएगा शायद और हम निकल जाएंगे। नशा तुम्हारे प्यार का जिसमें हम खो गए, तुम्हें पता भी न चला कि हम तुम्हारे हो गए। कल भीगी रात मिले, कल तुम्हारे साथ मिले, कश्मकश आग से सात जज्बात मिले, जख्म लबों पे तुम्हारे, जख्म लबों पे हमारे। नजर चुरा रही है, मैं तुझे देखे जा रहा हूँ। तू है जाम की तरह जो मैं पिए जा रहा हूँ। तू नजर चुरा रही है,
तुझे देखे जा रहा तू है जाम की तरह जो मैं पिए जा रहा हूँ होगा इश्क में ऐसा मेरा हश्र है ये कैसा तू दिखाए जाए जलवे मैं मचलता जा रहा तेरे केसों में छुपकर तेरा चेहरा खिल रहा है जैसे बादलों में आकर देखो चांद बह रहा है तेरे केसों में छुपकर तेरा चेहरा खिल रहा है जैसे बादलों में आकर देखो चांद बह रहा है तेरे केसों में छुप कर तेरा चेहरा खिल रहा है जैसे बादलों में आकर देखो चांद बह रहा है जो लिखे हैं तुझ पे मैंने वही गीत गा रहा हूँ खाए जाए जलवे मैं चलता जा रहा हूँ तू नजर चुरा रही है मैं तुझे देखे जा रहा हूँ तू है जाम की तरह जो मैं पिए जा कहाँ रह गई लीजा मैं ही बुला के लेकर आता हूँ उसे जा हमें देर हो रही है चलो ओ शिट क्या कर रही हो तुम ये क्या कर रही हो पागल हो गई है क्या तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी मैं यहां से नहीं जाना चाहती राजीव आई लव यू राजीव आई लव यू लीजा मजाक बंद करो ये सब क्या पागलपन है चलो हमें लेट हो रहा है और मेरे साथ बिताए उन पलों का क्या जद जो हुआ उसे सीरियसली मत लो वॉज एन एक्सीडेंट और मैं शादीशुदा हूं
राजीव, राजीव कहाँ माइंड में बिजी हो, खाना ठंडा हो रहा है। कुछ नहीं, और घर में सब ठीक था? हाँ, वैसे भी यहाँ पे क्या होना है, लीजा ने मुझे सब कुछ बता ही दिया। क्या बोली वो, क्या बताया उसने? काम डाउन बाबा, यही कि तुमने पूरा दिन उसका दिमाग खराब कर दिया फोन पे बिजी रह के। अच्छा सुनो, शाम को मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो डिनर बाहर से मंगा लेना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। और हाँ, लीजा आएगी शाम को मेरा कुछ सामान देने, तो उसे ले के रख लेना प्लीज, ठीक है? अरे सुनो, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तुम क्या करोगे चल के, तुम यहीं रहो, थोड़ा रेस्ट करो, और वो बेचारी अकेले वैसी परेशान हो जाएगी। अंदर नहीं बुलाओगे? पीछे हटो। जो सामान है रखो, और गायत्री के आने से पहले चली जाओ प्लीज। आज अच्छा नहीं लग रहा है क्या? प्लीज राजीव, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? छोड़ो उसे, डिवोर्स दे दो राजीव, प्लीज छोड़ो मुझे। आई लव यू राजीव, प्लीज राजीव, प्लीज आई लव यू, उसे डिवोर्स दे दो। आई लव यू राजीव, छोड़ो मुझे राजीव, आई प्लीज। अरे छोड़ो मुझे यहाँ से। राजीव खन्ना, आई लव यू राजीव खन्ना, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर तुम मेरे नहीं हो तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस करो, कितनी शराब पिएगी? मुझे वो चाहिए। हाय, काश इतनी मोहब्बत हमसे कर ली होती जालिम, तेरी कसम दुनिया में आग लगा देते। देख बेबी, मैं जिसे जानता हूँ वो बहुत पोचा हुआ बंदा है, मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कीमत चाहे जो भी हो, मुझे बस वो चाहिए।
जब चांद पूरा हो जाए तब संजय और अमित चलते जाना, जंगल के बीचों बीच तुम्हें नरक का दरवाजा मिलेगा और उसी दरवाजे के नीचे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। मेरा आदमी उस दरवाजे को खोल तो देगा पर उसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। सरू को अपनी इच्छा बताओ। सुने लड़की, तेरा हक नहीं है उस पर, सब खराब हो जाएगा, नजायज है ये रिश्ता, ये चाहत नजायज है। यश, उसका कुछ सामान लाना होगा जो उससे जुड़ा हो, और साथ में उसका खून भी। तुम्हारा काम हो जाएगा। याद रखना, शैतान को जगाने के बाद तुम उसे तब तक नहीं सुला पाओगी जब तक उसकी भूख नहीं मिट जाती। उसकी भूख कैसे मिटेगी? जिसके लिए तुम उसे जगाओगी उसकी रूह से उसकी भूख मिटेगी। ये चाहती हूँ कि राजीव उसको छोड़ के मुझसे प्यार करे। इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री की जान चली जाए। शैतान के जागने के बाद उसका क्या परिणाम होगा ये मैं भी नहीं जानता। ठीक है, मैं सामान ले आऊंगी। मैडम, आज इतने दिनों बाद कहाँ से? रास्ता भूल गई थी क्या? हाँ यार, बिजी चल रही हूँ। बिजी अफेयर वगैरह हो गया किसी से? हाँ यार, एक से हुआ था बट वो शादीशुदा निकला। शादीशुदा? ये तो गलत है। चल मैं वॉशरूम होके यहाँ। Thank you.
सुन, ये टॉवल रख ले, अंदर टॉवल नहीं है। हाँ साइड में रख दे, मैं ले लेती हूँ। चल ठीक है, तू आराम से फ्रेश हो जा, मैं चाय बना लेती जब तक। वैसे कौन है वो? कौन? समझी नहीं। वही जिससे तुझे प्यार हुआ है, तेरा ड्रीम मैन। तू बता, तेरे और राजीव के बीच में कैसे चल रहा है? ऑल आर परफेक्ट गोइंग ऑन। अब तो और भी ज़्यादा ध्यान देते हैं मुझ पे, इवन अपना काम भी कम कर दिया मेरे चक्कर में। तू बता। वेल गॉड ब्लेस यू। मैं चलती हूँ यार, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके। अरे रुक रुक, चाय तो पीती जा। अरे ओ हीरोइन मैडम। किसी से तुम्हारी तड़प पता लगती है। तैयार हो जाओ शैतान का सामना करने के लिए। और अगर शैतान अपना काम नहीं कर पाया तो? इंसानी जज्बात अक्सर काली ताकतों पर भरोसा नहीं कर पाते। रात के बाद राजीव तुम्हारा हो जाएगा, और अगर तुम्हें लगे कि शैतान अपना काम नहीं कर पाया तो इसे पी लेना। ये तुम्हें शक्तिशाली पिशाच में बदल देगा। इसके बाद तुम अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर सकती हो।
राजीव आज कहीं बाहर चले? नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ। एक काम करते हैं, वीकेंड पे चलते हैं। दीदी ये कपड़े सारे धोने हैं क्या? हाँ जरा निकाल दिए, और ऊपर से पर्दे भी निकाल दिए, वो भी धोने हैं। ठीक है दीदी। को मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में हीरा। ऊपर सो गई थी क्या? इतना टाइम लगता पर्दे उतारने में? ऐसे देख क्या रही है? देख रही हूँ आजकल बहुत काम चोर हो गई है, छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने ग्लूकोज लगा दिया है, जल्दी ठीक हो जाएगी, कल तक होश भी आ जाएगा। सुन मेरी बात का बुरा मत मानियो, आजकल थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ मैं। और ये तुझे क्या हो गया है? कोई बात है तो मुझे बता सकती है। काम कर, तू अच्छे से रेस्ट कर ले, कुछ चाहिए होगा तो बेल को रिंग कर दियो, मैं जब तक लाइब्रेरी में बैठी हूँ।
डिनर कर लो, जो हुआ उसका अफसोस मुझे भी है। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। तुम पैकिंग कर लेना, मैं दिन तक आ जाऊंगा। और थोड़ा बाहर का माहौल में रहेंगे तो तुम्हें भी अच्छा फील होगा। और सुनो, ये नाश्ता कर लेना, चाय ठंडी हो जाएगी।
कितनी बातें कितनी यादें कैसे भूलूं कैसे भूलूं, कितनी शामें कितने लम्हे कैसे काटूं कैसे जी लूं, ये रात है कि तुम बिन मुझको छेड़ती है तन्हाइयां, आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना, खामोशी का है आलम ये सारा, मैं या तुम या है साया तुम्हारा, तू नदी और मैं हूँ किनारा, क्या मिल पाएंगे अब हम दोबारा, है इस दर्द में सुकून इसको महसूस कर लूँ जरा, पेड़ के पास क्या कर रही हो? आर यू ओके? गायत्री, क्या हो गया तुम्हें? तुम ना बात करती हो और मुझे पता है कि मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा गायत्री, इतनी उदास मत रहा करो। हाँ, मैं देख लूँगा, मैं आता हूँ ऑफिस। गायत्री, 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 ये रात है कि तुम बिन
गायत्री सालों के करियर में मैंने ऐसा केस पहली बार देखा है। क्या भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? ये आप डॉक्टर हो के आप ऐसी बात पे भरोसा कैसे कर सकते हो? कभी कभी करना पड़ता है, जहां भगवान है वहां शैतान भी है। कभी कभी साइंस वो नहीं कर पाती जो कोई दूसरी ताकत कर देती है। शायद आपकी बीवी डेमोनिक पोजेस्ड है। डॉक्टर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, पर आपकी मदद शायद मैं ना कर पाऊं, पर कोई और कर सकता है। कौन? ब्रिटिश ग्रेवयार्ड का नाम तो सुना होगा आपने। वो तो हॉन्टेड प्लेस है ना। लोहे को जिस तरह लोहा काटता है, प्रेत को प्रेत। असलन नाम है उसका, वही है जो आपकी मदद कर सकता है। उसी ग्रेवयार्ड में मिलेगा वो आपको। विश्वास नहीं होता एक डॉक्टर होके आप ऐसी चीजों पे रिस्पॉन्स करते हो। मिस्टर खन्ना जल्दी कीजिए, ऐसे वक्त में मरीज के पास बहुत कम टाइम होता है। अपने गुनाह पूरा करने के बाद आखिर में सबको यहीं आना पड़ता है। तुम अरसलान हो ना? हाँ, गलती से तो यही कहते हैं। शक्ल से और कपड़ों से तो काफी पैसे वाले लगते हो। बाहरी दुनिया छोड़कर मेरे पास आने की कोई खास वजह? मेरी पत्नी वो किसी आत्मा के वश में है। अब आप प्लीज चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बुरी आत्मा ऐसे किसी को परेशान नहीं करती साहब। मतलब ये तो आधा सच है। मैं अभी मजाक कर रहा हूं। चलो, तुम्हारे ऐसे यहां रोज आते हैं, एक और सही तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ,
इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना बुरी आत्माओं से तुम जैसे को बचाने के लिए। चलते हैं, चलो। जिसका मुझे डर था यह आत्मा वही है। श्रीकृष्ण मेरे जाने के बाद यह आत्मा आपको अपना असली रूप दिखाएगी। शायद आपके सामने कुछ ऐसे मंजर हो जो आप जीते जी कभी ना देखना चाहेंगे ना देख पाएंगे। मैं यहाँ से जाने के बाद इस आत्मा के पाक शरीर को ढूंढ के इस नापाक आत्मा का खात्मा करूँगा। और सब एक बात का ध्यान रखना कि जब तक ये प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो जाती आपको अपनी पत्नी के शरीर को इस कमरे से बाहर नहीं जाने देना। ये आत्मा आपको डराएगी धमकाएगी और न जाने क्या क्या आपको रोक दिखाएगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। ये आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक ये गायत्री के शरीर में है। हमारे पास समय बहुत कम है। आज अर्धरात्रि है। घुंघरू इसके दोनों हाथ बांध दे। मंत्रोच्चारणाय नमः चार्य पुष्यतम करा सत्यराम मैंने आपके कमरे को मंत्रों से उच्चारण करके चारों दिशाओं से बांध दिया है। मैं वहाँ पे अपना कार्य पूरी धैर्य के साथ करूँगा। बस आप उस बात का ध्यान रखना जो मैंने आपको कहा। कुछ भी हो जाए यह आत्मा पूरी कोशिश करेगी गायत्री के शरीर को इस कमरे से बाहर ले जाने की, क्योंकि जब तक ये कमरा मंत्रों के उच्चारण से बंधा हुआ है ये आत्मा इस कमरे के अंदर कुछ नहीं कर सकती। केवल आपको डराने के अलावा। मेरे जाने का समय हो गया है। इतनी रात को इतने सारे अनवांटेड मैसेजेस, ज़रूर ये वही आधा सच है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। खैर मैं आपसे बार बार तो नहीं पूछ सकता पर इतना कहूँगा कि साहब वक्त रहते समझ जाइए। लीजा नाम है उसका।
ये क्रिया हमें सबसे पहले इस आत्मा के धर्म के बारे में बताएगी कि जब ये आत्मा वास्तविक जीवन में इंसान थी तो ये किस धर्म से थी। उसके बाद सबसे पहले हमें इस आत्मा के शरीर को ढूंढ के मिटाना होगा, तभी हम आपकी पत्नी की जान बचा सकते हैं। कल अर्धरात्रि है और हमारे पास समय बहुत ही कम है, हमारे पास केवल 24 घंटे हैं। मेरी गायत्री को बचा लीजिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आत्मा ईसाई धर्म की है तो हो ना हो ये काला जादू कराने वाला भी ईसाई धर्म का ही होगा। अब बस हमें इस आत्मा के शरीर को ढूंढ के जल्द से जल्द मिटाना होगा क्योंकि हमारे पास समय ऑलरेडी बहुत कम है। जिसने भी ये काला जादू कराया है उसने जरूर इस आत्मा के शरीर को इसकी कब्र से निकालकर किसी ऐसी जगह पे छुपाया होगा जहां उसके अलावा कोई ना ढूंढ सके। जिसने भी लाश को कब्र से निकाला होगा उसने वापस कब्रिस्तान में तो नहीं गाड़ा होगा, हो ना हो जरूर लाश उसने जंगल की तरफ गाड़ी होगी। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है, मेरे गुनाहों की सजा शायद मेरी पत्नी को मिल रही है। वो ठीक तो हो जाएगी ना?
master of jungle. Oh, you know what? गायत्री माया स्कूल के लिए लेट हो रहे बाबा चलो गायत्री ओहो माया तुमने फिर से गायत्री को मारा स्कूल के लिए लेट हो रहे बाबा अरे जल्दी करो बाबा ओहो मा...